मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लौकी के पराठे। इसे हम आज व्रत में खाने के लिए बनाएंगे। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। अगर आप व्रत में खिचड़ी या वड़े खाकर बोर हो गए हो तो इन मसालेदार पराठों को जरूर ट्राई कीजिए। इसके साथ ही मैंने चटपटी सी चटनी और ठंडा ठंडा रायता बनाया है जो कि इन पराठों के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो जल्दी से रेसिपी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक लौकी ली है, इसे मैंने छील कर अच्छे से वॉश करके लिया है। लौकी के पराठे बनाने के लिए इसे हम ग्रेट करके लेंगे। तो पहले आप इसे कट कर लीजिए और बड़े साइज के ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए। लौकी को जब हम ऐसे पीस कर लेते हैं तो ये आटे में आसानी से मिल जाती है और जो पराठे हैं उसमें इसका बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। जब आप पराठे बना रहे हो तभी ही लौकी को ग्रेट करके लीजिए। अगर आप इसे पहले से ही ग्रेट करके रखोगे तो ये काली पड़ जाएगी। लौकी का जो ये बीच वाला पार्ट है इसे हम ग्रेट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो आप चाहे तो इसकी सब्जी बना सकते हो। यहाँ पूरी लौकी को मैंने बढ़िया से ग्रेट कर लिया है। इसे ऐसे हाथों में लेकर इसके पानी को निचोड़ लेंगे जिससे लौकी का एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा और डो अच्छा बनेगा। लौकी को दोनों हाथों से दबाते हुए इसका पूरा पानी निकाल लीजिए। ये देखिए एकदम फ्रेश ग्रेट की हुई लौकी है। इसका पूरा पानी हमने निकाल दिया है और ये बिल्कुल भी काली नहीं पड़ी है। इसमें डालेंगे आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर, ये मैंने दरदरी कूट कर ली है। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अगर आप उपवास में लाल मिर्च नहीं खाते हो तो कटी हुई हरी मिर्ची ले सकते हो। स्वाद के अनुसार इसमें सेंधा नमक ऐड कर दीजिए, ये उपवास वाला नमक है। ऊपर से बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल दीजिए। मैं ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच जीरा, ये पराठे में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। इसे डालकर सभी मसालों को लौकी में अच्छी तरह से मिला लीजिए। मैं इन पराठों को उपवास में खाने के लिए बना रही हूँ इसलिए मसाले भी मैंने व्रत वाले ही डाले हैं। इनसे भी जो पराठों का स्वाद है वो बहुत ही अच्छा आता है। सभी को मिला लेने के बाद इसका डो बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप राजगिरे का आटा। इसे आप उपवास में खा सकते हो या आपको किसी भी किराने के स्टोर पर मिल जाएगा। इसे लौकी में मिलाते हुए इसका डो बना लेंगे। लौकी में अभी भी इतना मॉइस्चर है कि ये डो बिना पानी डाले ही आसानी से बन जाएगा। मैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाल रही हूँ लेकिन जैसे जैसे हम इसे मिलाएंगे ये आटा बढ़िया तैयार हो जाएगा। पराठे के लिए आटा हमें हल्का सा टाइट ही रखना है क्योंकि इसमें लौकी है, तो जब तक हम इससे पराठे बनाएंगे ये आटे में और पानी रिलीज करेगी और डो गीला हो जाएगा। तो शुरू में आटा टाइट ही रखिए। ये देखिए इस तरह का डो हमें बनाकर रेडी कर लेना है। ये एकदम परफेक्ट बना है। अब इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं जब तक हम चटनी बना लेते हैं। यहाँ पैन में मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच ऑयल। इसमें डालेंगे मूंगफली के दाने, इन्हें पैन में चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। मैं इन सींग दाने से उपवास में खाने वाली चटनी बना रही हूँ जो कि पराठों के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। सींग दाने को हल्का सा रोस्ट करके इसमें डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च। आप यहाँ पर हरी मिर्ची भी डाल सकते हो अगर आप व्रत में लाल मिर्ची का इस्तेमाल नहीं करते हो तो। थोड़ा सा नारियल भी डाल दीजिए इसमें। मैंने यहाँ थोड़ी सी इमली ली है, इससे चटनी में अच्छा स्वाद आएगा। अब डालेंगे 1 चम्मच साबुत धनिया और साथ ही में इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच सफ़ेद तिल। इन सभी को पैन में चलाते हुए हल्का सा रोस्ट कर लेना है। ऐसे रोस्ट कर लेने से चटनी में स्वाद तो अच्छा आता ही है, साथ ही मॉइस्चर निकल जाने से ये अच्छे से ग्राइंड होते हैं। इन्हें ठंडा करके जार में निकाल लीजिए। इसमें डालेंगे आधा चम्मच सेंधा नमक और थोड़ा सा पानी डालकर इसे स्मूथ सा ग्राइंड कर लेंगे।
ये देखें कितनी बढ़िया सी चटनी बनी है, एकदम थिक स्मूथ और बढ़िया सा इसका टेक्सचर आया है। तो जब भी आप उपवास में खाने के लिए कोई भी रेसिपी बनाओ तो ऐसी चटनी आप उसके साथ बना सकते हो। साथ ही में जल्दी से रायता भी बना लेते हैं। इसके लिए फेटे हुए दही में डाल दीजिए आधा छोटा चम्मच काली मिर्च, एक चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर, एक हरी मिर्ची को कट करके डाल दीजिए, स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डाल देंगे और इन सिंपल से मसालों को दही में मिला लेंगे। अब डालेंगे बारीक कटी हुई ककड़ी, थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे और ऊपर से जाएगा हरा धनिया। पराठे के साथ ही रायता बनाइए, ये बड़ा ही अच्छा लगता है। इसे आप फ्रिज में रखकर ठंडा ठंडा सर्व कीजिए, ये सभी को बहुत पसंद आएगा। अब पराठे बनाने के लिए डो भी रेडी है, ये एकदम परफेक्ट डो बना है। इसे एक बार गूंद कर इसमें से लोई ले लेंगे, पराठे की साइज के हिसाब से लोई बना लीजिए। इसे हाथों से ऐसे गोल शेप देना है। लोई के दोनों तरफ सूखा आटा लगाकर इसे बेलेंगे, जिससे एक तो ये चिपकेगी नहीं और बेलने में आसानी रहेगी। हल्के हाथों से इसे गोल शेप देते हुए बेलते जाइए। ये बड़ी ही आसानी से बन रहा है। इसके जो किनारे हल्के से फट रहे हैं, इन्हें हाथों से दबाकर प्लेन कर दीजिए। आटा सॉफ्ट है तो ये आसानी से गोल हो जाएंगे। पराठे को बेल लेने के बाद इसे हम सेकेंगे। तो यहाँ तवे को मैंने गरम कर लिया है, इसके ऊपर पराठे को रख देंगे। अब मीडियम फ्लेम पर इसे नीचे से सिकने दीजिए। जैसे घर में हम सादा पराठे बनाते हैं, इन्हें भी बिल्कुल वैसे ही पलटते हुए सेक लेना है। नीचे से जब ये हल्का सा सिकने लगे तब इसके ऊपर घी लगा दीजिए। घी में सिके हुए पराठे बहुत ही यम्मी लगते हैं। अब इसे हम पलट देंगे और दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। नीचे से देखिए कितना बढ़िया सिका है, तो इस तरफ भी घी लगा दीजिए और ऐसे ही पलटते हुए इन्हें दोनों तरफ से सेक लीजिए। पराठे का कलर देखिए कितना बढ़िया आया है, ये चारों तरफ से एक जैसा सिका है। लौकी के पराठे बहुत ही पौष्टिक होते हैं, तो इन्हें आप उपवास में तो बना ही सकते हो, लेकिन ये इतने हेल्दी और टेस्टी है कि आप इन्हें ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में भी बना सकते हो। इन्हें आप गर्मा गर्म बनाकर चटनी और ठंडे ठंडे रायते के साथ सर्व कीजिए। यकीन मानिए खाने वाले आपकी तारीफ किए बिना नहीं रहेंगे। अगर आप मेरी रेसिपीज देखते हो और ये आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसी लगी।